अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो अभी इस वीडियो में जो है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस बताई थी, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना मज़ीद कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस की तरफ जाएंगे। तो आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो हमें देखना है कि मैट्रिक्स को हम ऐड किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये अभी मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं जिनको मैंने ऐड करना है, तो मैं इनको कर दूँगा ए प्लस बी इज इक्वल टू दो चार तीन पाँच प्लस सिक्स फोर माइनस टू फाइव। ठीक, अब इनको मैंने ऐड करना है। यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, यहाँ पे लिखा टू प्लस सिक्स, ठीक है, फोर प्लस फोर, ठीक, थ्री प्लस इनटू माइनस का टू, ठीक है, फाइव प्लस फाइव, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सिक्स और टू एट, फोर प्लस फोर एट, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, तीन माइनस दो, ठीक है, तो तीन में से दो निकल जाएंगे तो एक रह जाएगा, ठीक है, और पाँच और पाँच दस, ठीक है, यानी कि जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आठ एक आठ और दस, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, जो भी हमारे मैट्रिक्स होंगे अगर हमने उनको ऐड करना है तो इसी टेक्निक के ज़रिए और इसी प्रोसेस के ज़रिए जो है वो हमने इनकी एडिशन करनी है, ठीक है। एडिशन के बाद जो पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं कि हमने इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि उसके कहने का मकसद ये है कि अगर एक कॉलम है, ठीक है, अगर उसके साथ बाहर टू आ जाता है, ठीक है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। इसको हमने मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से करना है कि मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, ये जो टू है इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा टू इंटू टू, ठीक है, इस वन के साथ भी मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है, एट के साथ भी मल्टीप्लाई बाय टू और टू के साथ भी मल्टीप्लाई बाय टू। इसका जो आंसर है फिर टू ए का, टू ए इज़ इक्वल टू चार दो सोलह और चार, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है सॉरी मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे कि हमने सॉरी सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे कि हमने सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना है। तो मैं यहाँ पे दो कॉलम्स ले लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसको सब्ट्रैक्ट आपने किस तरह से करना है। इसको अभी बिल्कुल हमने जैसे हमने एडिशन किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है, वन माइनस टू, ठीक है, ये और ये और ये, थ्री माइनस सिक्स, ठीक है, ये और ये, फोर माइनस एट, ये और ये, फाइव माइनस नाइन, ठीक है। तो ये आ जाएगा वन माइनस टू माइनस का वन आ जाएगा, ठीक है, थ्री माइनस सिक्स माइनस का थ्री आ जाएगा, फोर माइनस एट माइनस का फोर आ जाएगा, और ये फाइव माइनस नाइन आ जाएगा माइनस का फोर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है कि अगर ए कॉलम और बी कॉलम है तो उनको हमने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। आइए ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम सीखते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये कॉलम पे नज़र रखनी है, ठीक है, और ये, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा दो ज़रब एक, ठीक है, दो ज़रब एक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा प्लस, ठीक है, तीन ज़रब छः। उसके बाद जो है इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज़रब एक, एक ज़रब एक प्लस, ठीक है, छः ज़रब छः, छः ज़रब छः, ठीक है, एक ज़रब एक हो गया, ठीक है, और छः ज़रब छः हो जाएगा, इसको यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद ये ओके हो गया, अब इसकी बारी आ जाएगी, ठीक है, तो इसको मैं करूँगा दो
जरब सात प्लस, ठीक है, तीन जरब तीन, ठीक है, यानी कि पहले इसको इसके साथ करूँगा, फिर इसको इसके साथ करूँगा, ठीक है। अब इसकी बारी आ जाएगी, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। तो एक को जरब किया सात के साथ, एक जरब सात, ठीक है, प्लस छः जरब तीन, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो है ना वो मेरे पास डाटा आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। बाकी मज़ीद इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा दो जमा छः और तीन 18, ठीक है, ये आ जाएगा 14 जमा 9, ठीक है, ये आ जाएगा एक जमा 36, छः छः 36, ठीक है, 7 जमा 6 तिया 18, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है, ये 14, 24 और ये 23 हो जाएगा, ठीक है, और ये 37 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन के बाद जो है ना वो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट्स थे इस बुक में मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और उसके बाद जो है इस बुक में लीनियर इक्वेशन, इसके बाद इसमें क्रैमर वगैरह का रूल और लीनियर इक्वेशन वगैरह आ जाएंगी। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में यही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना फिर इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम देखते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं।